दूसरे तरह का विचार है जो इस दुनिया में मुझे काफी आकर्षित करता है और एक तरह से अभी भी इस समय के बारे में खट्टा मीठा सा एहसास देता है जिसमें हम रहते हैं। यह है जेन जी के बारे में, मतलब जेनरेशन जेड, जिसका मतलब है वे बच्चे जो 1997। अगर आप जेनरेशन जेड हैं, ये कभी मत कहिए क्योंकि इसका मतलब है आप आखिरी पीढ़ी हैं। ये एक चीज है जिसे मैं टालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप आखिरी पीढ़ी ना बने। जेन जेड का क्या मतलब है? जेड आखिरी शब्द है, आखिरी। कल्चरली मैं एक मिलेनियल हूँ क्योंकि मैं 97 से पहले पैदा हुआ हूँ। प्री 97। मैं भी 20वीं सदी का मिलेनियल हूँ। No, I think. आप किस सदी की बात कर रहे हैं? मेरे ख्याल से वो कल्चरल टर्म्स है जो दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जेड शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, इसका मतलब है आप आखिरी पीढ़ी हैं, वो मत बनिए। ठीक है, फिर भी वे किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं? जैसे आपके ख्याल से अगले 10-20 सालों में हमारे लिए क्या है? देखिए, अगर वो सिर्फ अपने फोन स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन को ही देख रहे हैं तो एक दिन दीवार में जाकर टकराएंगे। आपको ऊपर देखने की जरूरत है कि आसपास जीवन किधर जा रहा है, ये बहुत जरूरी है। आप तकनीक और स्क्रीन स्पेस को गलती से वास्तविकता समझ रहे हैं। नहीं, ये तकनीक एक बहुत बढ़िया उपकरण है अगर आप उसे जागरूकता में इस्तेमाल करें तो। अगर आप अचेतन हैं और उसे लेकर मजबूर हो जाएं, आजकल अमेरिका में टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, ड्रग डी एडिक्शन की तरह टेक्नोलॉजी डी एडिक्शन, लोग टेक्नोलॉजी को लेकर पागल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी मेरे लिए बहुत फायदेमंद रही है, हम उससे 100 गुना ज़्यादा काम कर रहे हैं जितना हम शायद 15-20 साल पहले कर रहे थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी के कारण। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन कोई है जो उससे दुखी है? मनुष्य अपने ही दिमाग से दुखी है, है ना? अगर उनके पास दिमाग नहीं होता तो वो शांति से रहते, क्योंकि उनके पास दिमाग है तो वो कह रहे हैं तनाव तनाव तनाव, क्योंकि आप नहीं जानते कि इस उच्चतम तकनीक को कैसे संभालें जो यहाँ है। इस धरती पर सबसे महान तकनीक मानव तंत्र है। जो लोग नहीं जानते कि उसे संभालना कैसे है, जिन लोगों ने कभी यूजर मैनुअल नहीं पढ़ा, वो अपने शरीर और अपने मन से दुखी हैं। मेरे पास इसके बारे में 2 सवाल हैं। यस सर। पहला है, क्या आप इस सारे मेटावर्स रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं जो हो रहा है? और दूसरा, वो रेवोल्यूशन नहीं है। मैंने मेटावर्स के बारे में सुना है, मैं जानता हूँ मेटावर्स। हाँ, ये वर्चुअल रियलिटी जैसा है। वर्स। That's... यही सवाल उससे जुड़ा है, वो दूसरा सवाल। मैं है। किसी तकनीक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उसके पक्ष में हूँ। सिर्फ अगर आप जानते हैं कि उसे होश में कैसे संभालना है। देखिए, अभी क्या ये मेटावर्स नहीं है? हेलो। वही सवाल था, जैसे आप जानते हैं, मैं आशा करता हूँ कि भविष्य की तकनीकें हमें प्रकृति से दूर ना कर दें, क्योंकि हम एक खूबसूरत सभ्यता में रह रहे हैं। क्योंकि आप VR चश्मे पहने होंगे और आप दुनिया को बिल्कुल देखेंगे ही नहीं। देखिए, अभी फिलहाल अगर आप इस पर पर्याप्त ध्यान दें, ये सुपर मेटावर्स है, मेरा विश्वास कीजिए। लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। मैं जंगलों में रहा हूँ, कई हफ्ते सिर्फ अकेले बिताए हैं। यहाँ जो हो रहा है वो सरल नहीं है। आज भी जब मैं मिट्टी की बात करता हूँ तो हर कोई कहता है, सदगुरु आप पर्यावरणविद कैसे बन गए, कहाँ से? मेरे ख्याल से खुद को एकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट या जो भी ऐसा कुछ कहना बहुत भद्दा है। मैं एक वैज्ञानिक शब्दावली के रूप में नहीं कह रहा हूँ, आमतौर पर लोग खुद को बुलाते हैं, क्योंकि आप एकोलॉजी का एक हिस्सा हैं, आप पर्यावरण का एक हिस्सा हैं। आपने ये कैसे मान लिया कि आप उससे अलग हैं, ऊपर हैं और आप कुछ ठीक करने जा रहे हैं? आप उसका एक हिस्सा हैं। अगला सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो थोड़ा अशिष्ट लग सकता है और मैं माफी मांगता हूँ। मैं भी रूड हो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। वो चलता है, आप रूड हो सकते हैं, लेकिन और मैं ये आपसे इस नजरिए से पूछ रहा हूँ कि मैंने हाल ही में गरुड़ पुराण नाम की किताब पढ़ी है जो मृत्यु के बारे में बात करती है। ओ, आप सोच रहे हैं कि मुझे क्या सजा मिलनी चाहिए, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं इसने मुझे अपनी मृत्यु के बारे में सोचने के लिए उकसाया और वो सब कुछ जो मैं अपनी मृत्यु से पहले करना चाहता हूँ। तो ये सारे अभियान जो आप शुरू कर रहे हैं, चाहे वो मिट्टी बचाओ हो, चाहे कावेरी कॉलिंग हो, क्या आप इसे इस नज़रिए से कर रहे हैं कि आप अगले 20-30 सालों में एक असर पैदा करना चाहते हैं? क्योंकि आप कुछ बहुत मुश्किल चीज़ें कर रहे हैं, जैसे 30,000 किलोमीटर की बाइक राइड। ये किसी के भी शरीर के लिए बहुत कठोर है। इसने मुझे ये सोचने के लिए मजबूर किया कि पहले तो सद्गुरु, ये एक 2-तरफा सवाल, मुझे बहुत खेद है अगर ये अशिष्ट लग रहा है, लेकिन मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, क्या आप कभी अपने काल में अपने क्षण के बारे में सोचते हैं? और दूसरा, आप कैसे मेरे अपने समय के बारे में? मैं उस बारे में पूरी तरह सुलझा हुआ हूँ।
पूरी तरह से। मुझे जीवन में ऐसी कोई चिंता नहीं है। क्या आप कभी उसके बारे में सोचते हैं? नहीं, क्योंकि मैं उस पल में फैसला करूंगा। मैं ये नहीं सोच रहा हूं मेरे साथ ऐसा होगा। आपको किस चीज का इंतजार है? हाँ? क्यों आप पूछ रहे हैं कि मैं मरा क्यों नहीं हूं? आपने अब तक उसे चुना क्यों नहीं? Wow, still the water is flowing. देखिए, अभी पानी बह रहा है। मेरे आसपास के लोग अब भी जानने और बढ़ने के लिए प्यासे हैं। अगर वो मेरे सामने थोड़ी बोरियत दिखाएं तो मैं चला जाऊंगा। उन्हें ये पता होना चाहिए। हाँ, 1000 लोग मेरे लिए जो मेरे सामने बैठते हैं, अगर वो बोरियत दिखाते हैं, सोचते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं, तो मैं चला जाऊंगा फिर से।